सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है 18 नवंबर और आज गाइस जो छठ पूजा का गाइस जो वाइब है ना, वहाँ से शुरू हो गया है। तो गाइस छठ पूजा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये हम लोगों का इमोशन है, हम लोगों का महापर्व है। तो गाइस वो शुरू हो गया है, मतलब आज गेहूं सूख रहा है गाइस, यहाँ आप देख सकते हो। आज यहाँ पर हमारी अम्मा यहाँ पर गेहूँ सुखा रही है, बुआ भी, जय छठी मैया। तो हमारी अम्मा यहाँ पर गेहूं सुखा रही है और क्या कड़क का धूप हुआ है गाइस। आज छठी मैया खुद लगता है सूरज देवता को लेकर आई है, देख सकते हो कितना सुंदर चमक रहा है। अभी ना प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ बिहार के लिए, निकलेंगे गाइस हम लोग टाटा पंच से। मैं जा रहा हूँ, शिवम जा रहा है, आदर्श जा रहा है और आदि जा रहा है, हम चार लोग जा रहे हैं। तो निकलते हैं और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग कहाँ, मतलब क्यों जा रहे हैं। साइड गाइस आज ठीक बस बनना शुरू हो जाएगा और फिर 19 तारीख को सो गाइस मैं कुछ बिहार के लिए निकल ही रहा था। और गाइस यहाँ देख सकते हो भीड़ पड़ा से गाइस, तीन लोग मिलने आए हैं, आपको मिलाते हैं उनसे। गाइस हियर इज प्रियंका, महिमा, खुशबू और गाइस तीन लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तीन लोग देखते हैं वीडियोस, बट फॉलो अभी जस्ट किया मेरे ख्याल से। ओके ओके, मजाक कर, फटाफट वीडियोस बनाते हैं लोगों के साथ और फिर निकलते हैं कुछ बिहार के लिए। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं कुछ बिहार के लिए और जो मेरे क्यूट क्यूट गाइस जो फैंस हैं ना, वो लोग को मैं ओला श्री मारा छोड़ दूंगा, फिर वहां से हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छोड़ रहे हो आप? अरे चलो, वो तो मैं वहीं जा रहा था तो छोड़ रहा हूँ। फिर भी बहुत अच्छा लगा गाइस कि इतने दूर से मिलने आए ये लोग, बट एक भी चॉकलेट लेके नहीं आएगा गाइस, ये मुझे बुरा लगा। ओ, आपको चॉकलेट पसंद था, आपने बोला नहीं हमको, है ना? मुझे क्या पता, मुझे लगा कि चलो यार कुछ तो मिलेगा मुझे, बट गाइस कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बड़ा वाला। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रिटर्न घर की तरफ। ठीक है गाइस, हम लोग गए थे कुछ बिहार, वो इसलिए गए थे गाइस क्योंकि हम लोग को चाहिए था कैमरा। और गाइस कल तो छठ पूजा है ना, तो छठ पूजा का पूरा प्रिपरेशन, अच्छे से फोटोशूट, वीडियो, हर चीज गाइस मुझे मेमोरी रखना है। गाइस शिवम वहां गया है, रजिस्टर करवाने गया है क्योंकि अभी हम लोग को जाना है यहाँ पर चिलापाता फॉरेस्ट से, तो काफी घना जंगल है। तो गाइस हम लोग को ना पूरा गाड़ी का नंबर, हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये जंगल एकदम रिस्की होता है, इसीलिए वहां पर जाके हम लोग रजिस्टर करवाने वाले हैं। बाकी गाइस अगर कुछ भी होता है तो इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये लोग आके बचाएंगे। चलो गाइस अभी हम लोग आए हैं गुरुद्वारा में, घर ही जा रहे थे गाइस और हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा है तो हम सोचे कि गुरुद्वारा में लंगर खा के जाएं। तो गाइस अभी यहाँ पर देख सकते हो आज इसका बर्थडे भी है गाइस, कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे विश कर देना आप लोग। तो आदित्य कैसा लग रहा है गुरुद्वारा में लंगर खा के? मजा आ रहा है, बोला ना बर्थडे एकदम अच्छा लगा, मन रहा है ना बस। तो गाइस यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मस्त तड़का दाल आ गया, इसको क्या बोलते, तड़का दाल बोलते हैं, तड़का दाल रोटी और अभी जो जो आएगा गाइस बताएंगे आपको। यहाँ पर है हमारे आदर्श और शिवम। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो गया है और खा पिए गाइस यहाँ पर खुद थाली धो के फिर रखना है, पेट भर गया गाइस, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाए थे हम लोग और यहाँ पर गुरुद्वारा में आकर पेट भर गया है। तो फटाफट धोते हैं और रखते हैं। आदर्श कैसा लग रहा है? और वहाँ देखो गाइस आदित्य कैसा लग रहा है? फाइनली गाइस हम सभी लोग गुरुद्वारा में खा लिया, इतना टेस्टी खाना है कि नहीं, मजा है कि नहीं खाकर गाइस? अगर ये चीज़ अगर मैं बाहर खाते ना उतना मज़ा भी नहीं आता और दिल खुश भी नहीं होता, पेट शांत भी नहीं होता, बट यहाँ पर सब चीज़ हुआ है। सो जोर से बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये फटाफट गाइस निकलते हैं घर की तरफ क्योंकि पापा कब से कॉल कर रहे हैं, कहाँ है तुम लोग? सो हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं तोरसा नदी, जहाँ पर हम लोग कल आएंगे अपना महापर्व मनाने के लिए छठ पूजा। पहले पहले हम कहीनी छठी मैया भरत तोहार। तो हाँ गाइस कल ही हम लोग आए हैं, तो अभी गाइस फिलहाल अभी हम लोग आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। हम लोग गाइस लंगर वंगर खा के घर चले गए थे, फिर वहाँ से अभी गाड़ी से ही आए हैं अभी हम लोग तोरसा नदी पर वीडियो वगैरह शूट करेंगे और काफ़ी सुंदर गाइस ये लोग सजा दिए हैं। चलिए गाइस आपको चल के दिखाता हूँ अभी का
अभी का सीनरी कैसा लग रहा है और कल का गाइस आप लोग सीन देखना, ठीक है? चलो गाइस आप लोग ये सिनेमेटिक एंजॉय करो। सो गाइस लुक एट द व्यू गाइस, कितना सुंदर पहाड़, वहाँ ब्रिज, फिर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जेसीबी से पूरा काम चला है और कितना सुंदर यहाँ पर नदी काट के बनाया गया है और यहाँ पर ब्रिज है गाइस, यहाँ देख सकते हो। और ना अभी कुछ ऐसा है गाइस, टोकन सिस्टम कर दिए हैं ये लोग, ठीक है? तो सबका एक एक घाट सबको प्रोवाइड होगा, तो हम लोग का शायद 10 नंबर है, पूछना पड़ेगा गाइस वो कहाँ है। तो गाइस सनसेट होने वाला है, चलते हैं इस ब्रिज से और वीडियो बनाते हैं। गाइस जो वाइब है ना ये देख लो, कितना अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पर आकर, और कल जब आएंगे ना। तो गाइस अभी आप लोग अभी का सीन देखो, ठीक है? गाइस आप लोग ये ट्रांजिशन चेक करो, जो सूर्य देवता है उनका हम लोग पूजा करेंगे। यहाँ पर काम गाइस लगभग कंप्लीट हो गया है आज गाइस। यहाँ पर ये है हमारा कमेटी बन रहा है, यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम हो गया रात के लिए। कितना सुंदर गाइस यहाँ पर जो घाट अब देख के लग रहा है, ये लोग कितना सुंदर सजा दिए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ऐसे गाइस, यहाँ पर ये हम लोग का चेंजिंग रूम हो गया। बहुत लोग ना गाइस जो फास्टिंग करते हैं ना वो यहाँ पर आके नहाते हैं, फिर यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को मैं अभी यह कंडीशन दिखा दिया कि कैसा लग रहा है। और कल तो गाइस जितना भीड़ होगा ना यहाँ पर, लोगों का चहल पहल से भर जाएगा, तो काफी एक्साइटेड। तो गाइस आप लोग एक्साइटेड हो कल के लिए? तो गाइस मैं आप लोगों को ये नजारा दिखा रहा हूँ वेस्ट बंगाल हाशीमारा का, 47 डिग्री गार्डन, तोरसा नदी। गाइस तोरसा नदी सच चुका है। पहले पता गाइस जब मैं छोटा था ना तब बहुत ज्यादा ना मुझे लगता था कि यार ये कितने दिन का पूजा होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग शाम को गए रात को गए, तो ना मेरा जब बचपन था गाइस ध्यान नहीं था। बट जब से गाइस मैं बड़ा, मतलब जब से मुझे समझ आने लगा ना पूजा वगैरह, ये छठ पूजा, तब से ना मैं ऐसा लगता है कि यार अभी तो आया था छठ पूजा, कैसे निकल गया। सारे घाट गाइस ऐसे, जब भीड़ हो जाएगा ना गाइस समझ भी नहीं आता है कि भाई कौन सा घाट कहाँ लगाए और कितना दूर जाए हम लोग। गाइस यहाँ देख सकते हो ये सारा जो काम हुआ है ना, जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ भी ना पानी पानी से भर गया था, बट जेसीबी से ना गाइस पूरा एक यहाँ पर रास्ता बना दिया है, जो भी पानी का फ्लो है सब उस तरफ जा रहा है। और यहाँ पर आदमी लोगों के लिए घूमने उमने के लिए हो गया, तो इन लोगों को मैं लेकर आया कि मेरा साथ देंगे, ये लोग अभी से इन्जॉय करना शुरू कर दिए हैं। और गाइस शिवम भाई हमारे वहां पर मस्त क्या आज वीडियो शूट करेंगे। तो गाइस भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, 2 घंटे से पूरा मेहनत चल रहा है, तो प्लीज़ उनको अच्छे से सपोर्ट कीजिए। बस यही नहीं, देखिए ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए इनका डेडिकेशन देख लो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये। और देखो भैया भी पूरा जोरों शोरों से छठ पूजा का वीडियोस बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो आज का ये लास्ट शॉट है भैया, ऐसा बोल रहे हैं अब। तो गाइस वीडियो वगैरह बन गया है, हम लोग अब जा रहे हैं। और गाइस अभी का जो टाइम है ना, कल इसी टाइम में गाइस हम लोग शाम का जो अर्घ दे के अपने घर चले जाएंगे। बहुत एक्साइटेड गाइस कल के लिए। अभी गाइस जो टाइम हो रहा है वो 9:13 हो रहा है, और हमेशा ना गाइस क्या होता है जो ठेकुआ का बनता है ना वो काफ़ी लेट बनता है, बट अभी गाइस बनना भी शुरू हो गया है। गाइस उससे पहले ना हम लोग अभी सभी लोग यहाँ पर जो भी है मौजूद है, हम लोग गाइस सभी लोग आपको बताएंगे कि जो छठ पूजा है हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं गाइस मुझसे करते हैं, फिर हम बाकियों से करेंगे शुरुआत, ठीक है? तो गाइस छठ पूजा, तो गाइस छठ पूजा हम लोग सूर्य देव जी को समर्पित करके पूजा करते हैं। जब सूर्य देव उगते हैं और जब सूर्य देव डूबते हैं तो गाइस उनकी हम लोग पूजा करते हैं। और जो महिलाएं गाइस ये छठ मनाती हैं वो लोग गाइस 36 घंटे का व्रत रखती है। गाइस सबसे ज़्यादा कठिन ये व्रत होता है उनके लिए, क्योंकि गाइस वो लोग कुछ बिना खाए वो लोग जाते हैं छठ घाट, और वहाँ पर गाइस इतना ठंडा ठंडा पानी में नहाते हैं, तो गाइस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए ये छठ। और गाइस ये छठ पूजा अभी हम लोग और पूछते हैं बाकियों से भी कि क्यों मनाया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट अभी बताएंगे हम लोगों को फुफा जी। तो फुफा जी छठ क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा बहुत ही लंबे समय से भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। द्वापर त्रेता युग से ही छठ पूजा करने की प्रथा है भारत में। यह एक बहुत ही महान व्रत है जिसको भारतवासी
तमाम अन्य अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसमें सूर्य भगवान को उगते और डूबते टाइम छठ मैया की पूजा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठ पूजा इसलिए मनाया जाता है कि अपने सुख शांति के लिए अपने परिवार सुखी रहे, और इसीलिए सूर्य नारायण का पूजा करते हैं कि मन का शांति मिलता है। छठ पूजा बहुत पहले से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है ये अभी तक किसी को नहीं पूछा। भगवान का पूजा क्यों किया जाता है ये कोई जानता नहीं है कि भगवान का पूजा हम क्यों करते हैं। मन की शांति के लिए, मन के शांति के लिए करते हैं बस, कुछ मांगने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि सनातन धर्म का यही एक पूजा है जिसमें हम नेचर का पूजा करते हैं, और धर्म में ऐसा नहीं होता है। बट सनातन धर्म में सदियों से चला आ रहा है जो हाँ। तो मेरे को जहाँ तक पता है छठ पूजा हम इसलिए मनाते हैं, जो छठ पूजा है वो हम सूर्यदेव को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो सूर्यदेव है वो बहुत ऊर्जा देते हैं हमें। सूर्यदेव की ऊर्जा जो हर चीज़ के लिए हमें चाहिए रहता है, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए रहता है, प्लांट के लिए चाहिए होता है, प्लांट जो धरती है सूरज की वजह से है, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हम छठ पूजा मनाते हैं। गाइज जहाँ ठेकुआ बन रहा है आपको वहाँ लेके चलते हैं, और वहाँ भी गाइज काफी लोग, पापा बैठे, मम्मी बैठी है, बुआ बैठी है, गाइज उन लोगों से पूछते हैं कि छठ क्यों मनाया जाता है। गाइज ठेकुआ ही बन रहा है, गाइज आपको दिखाता हूँ कि ठेकुआ कैसे बन रहा है इस बार। चलिए रहा गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारा प्यारा ठेकुआ बन रहा है, यहाँ पर आधा बन भी चुका है, और यहाँ पर पापा बना रहे हैं ठेकुआ। बोलो छठी मैया की। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हो मम्मी यहाँ पर ठेकुआ छान रही है। वाओ गाइस कितना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। और यहाँ पर देखो गाइस कौन कौन बैठा है, यहाँ हमारे पापा जी बैठे हैं, और यहाँ मंजू बुआ है, और हियर इज गाइस अवर पन्नी बुआ। पन्नी बुआ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। इस बार का छठ पूजा कैसे मनाएंगे? बहुत धूमधाम से, एकदम बुआ तरह से। और गाइस यहाँ अपनी मम्मी को आप देख सकते हो, हमारी मम्मी जी यहाँ पर छान रही है। और अभी गाइस पापा बताएंगे कुछ हमें छठ पूजा के बारे में। पहले तो सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। छठ पूजा प्राचीन काल से महाभारत के टाइम से होते चली आ रही है, और ये पूजा शुरू में सूर्य मंदिर याद नहीं आ रहा है कहाँ है, वहाँ से शुरू हुआ था ये प्रथा। आज भी बहुत धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है, और ये पूजा ऐसा है कि जो भी मनोकामना सोच के अगर मन से अगर पूजा किया जाए तो जरूर निश्चित पूरा होता है, और ये जरूर पूरा हमारे लिए भी पूरा होता है और सबके लिए पूरा होता है। सबको शुभकामना जी। छठ व्रत विश्वास और प्रेम से किया जाए तो हर चीज पूरा हम लोग देखते हाँ। आ रहे हैं, तो हम लोगों को तो विश्वास है ही। बिल्कुल बिल्कुल बुआ, छठ माँ की जय। जय छठ माँ की, आपको शुभ कामनाएं और बधाई हो बहुत बहुत। और ये जो इसमें कोई जाति भाव भेद नहीं है, हर कोई इसकी पूजा कर सकते हैं। चंद्रमा सूर्य जैसे सब कोई करते हैं, इसमें सूर्य की पूजा होती है, और सबकी जो श्रद्धा से करते हैं उनकी तो निश्चित ही है कि मनोकामना पूरी होगी। ऐसा सबके साथ होता है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। मैं सिख हूँ पर मैं एकदम श्रद्धा से जो भी मुझसे बन पाता है मैं सेवा करती हूँ, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है मनोकामना तो पूरी हुई है हमारे घर पे भी। हैप्पी छठ पूजा। इतना व्रत रखते हैं, 36 घंटे का आपका व्रत रहता है, इतना परिश्रम करते हैं। मनाती हूँ परिवार के लिए मनाती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास रहता है इसलिए मनाती हूँ। और गाइज आज एक और सदस्य आए हैं गाइज, काफी लेट, आप इतने लेट क्यों हो गए जरा हम पूछ सकते हैं? हो गए क्योंकि मेरा बाबू जो है उसका मम्स हो गया है, तो इसी वजह से। तो ना मैं सबसे पूछ रहा था कि हम छठ पूजा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जरा लोग इतना मतलब श्रद्धा से व्रत रखते हैं, हर चीज करते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आप शॉर्ट में बताओगे थोड़ा? दो तीन लाइन। मैं तो मेरा देखो एक श्रद्धा है क्योंकि मैं सफल हुई हूँ, इस वजह से मैं मानती हूँ कि मैं हर साल जब तक जीऊंगी जब तक ताकत है शरीर में, अरे तब तक मैं चाहती हूँ कि करूँ, और भी इन फ्यूचर कुछ अच्छा होगा तो मैं सोचूंगी कि और कुछ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो मन्नत मांगी हूँ शायद वो पूरा होगा, तो मैं आगे फ्यूचर में और भी कुछ अच्छा करूँ। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं गाइज कि इन लोग इसलिए जय।
तो गाइस अभी इन लोगों को ठेको बनाने देते हैं, अभी हम लोग चलते हैं रूम की तरफ। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो ये लोग खाना भी खाना शुरू कर दिए, और आज खाने में क्या बना है, हमारे यहाँ लोचन भैया भी आए हुए हैं। गाइस आज खाने में है खीर पूड़ी सब्जी, दाल है, पकौड़ा है, तो खाते हैं फटाफट गाइस। मम्मी कितना छन चुका है, छन के हमारा ठेकुआ रेडी हो गया। गाइस ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है, और ये ठेकुआ को प्राप्त करने के लिए मतलब खाने के लिए हम लोगों को 2 दिन वेट करना पड़ेगा, 2 दिन पूजा करने पड़ेगा गाइस, तब जाके ठेकुआ खाने मिलेगा। आटा में क्या क्या पड़ा है, बादाम पड़ा है, चीनी पड़ा है, इसी लग रहा है इसमें बादाम पड़ा हुआ है, बादाम है, घी है और चीनी है। पापा मम्मी सबका गाइस मेहनत है, सब मिलाकर जो टेस्टी सा ठेकुआ बनता है ना, इसी के तो गाइस दीवाने हैं हम लोग साल। गाइस आज है गाइस 18 नवंबर, और आज यहाँ पर आप देख सकते हो ठेकुआ बन के आज रेडी हो जाएगा, और गाइस कल हम लोग दोपहर में 2 बजे गाइस निकल जाएंगे तोरसा घाट पर। तो गाइस ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग अभी हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैंने बता दिया कि आज ठेकुआ बन चुका है, और कल हम लोग जाएंगे घाट का, तो उसका एक नया ब्लॉग बनेगा। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, इस कल का ब्लॉग आप लोग मिस बिल्कुल मत करना, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। गाइस मैंने ये आज तोरसा घाट वगैरह दिखाया, और कल आप लोग देखना कितना भीड़ होता है और कितने लोग आते हैं गाइस, एक अलग ही वाइब आने वाला है। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय, लव यू ऑल। बोलिए बोलिए छठी मैया की जय।